अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। तो अभी यहाँ पे है जी ब्रेकफास्ट का टाइम और आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ मिनी पिज़्ज़ास। अच्छा, मेरे पास ये दो शवारमा ब्रेड पड़ी हुई थी, पीटा ब्रेड जिसको कहते हैं, और ये चिकन मैंने बना कर रखा हुआ था पहले से ही फ्रीज़र में, तो सोचा कि अब पिज़्ज़ास बना लेते हैं। ये देखे ज़रा, ये अभी ना दोबारा से दो स्पैरोज़ अंदर आ गई थी और अभी हमने जल्दी से उनको देख के ना फैन ऑफ किया और यहाँ से निकल गई है बाहर। मैं नाश्ता कर रहा था और मुझे जब तूने कहा ना तो मेरा दिल ना से बंद हो गया। मैंने कहा अल्लाह ना करे इनको कुछ हो जाए। दो पेयर था अभी वहाँ पे आके ना सीलिंग में बैठ गए थे और अभी बाहर निकल गए हैं। ये दरवाजा हमें खोलना पड़ता है ना तो फिर हम यहाँ से अंदर आ जाती है। अच्छा, हमें इनसे भी इतना ही प्यार है जितनी अपनी बिल्लियों से है। जिस तरह वो बाहर खिड़की खुली हो ना तो बाहर जिस तरह मफिन चला गया था, मेरा दिल बंद हो गया था, बिल्कुल इनके लिए भी वही मेरी फीलिंग। छोटी छोटी इतनी क्यूट सी तो होती हैं। चिड़े थे? चिड़े दो नहीं, एक मेल था एक फीमेल थी। चिड़ा चिड़ी थी? हाँ, घर बना रहे थे अपना। अभी वो देखें फिर आ गई है, आके पंखे को देख रही है। अभी मर जाती बाहर चलेगी। फजल बंद कर दो ये दरवाजा। बिल्लियों की तरह ही होती है, देखो कैसे खुश है ना। वो देख कर बुलाने गई है दूसरे को कि आ जाओ, आज जो अंदर घर खाली है। हाँ, बंद कर दो। स्कूबी, वो देखिए नूर, बड़े वाली नूर, इधर आई थी बड़े वाली नूर। ये जी अभी सब ने, हमने भी नाश्ता किया है, सुबह सुबह का टाइम है, इन लोगों ने भी नाश्ता कर लिया। जी 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 जी, एक जी हम पता नहीं खुशखबरी वाली न्यूज कहें या शॉकिंग न्यूज कहें, हम बड़े, मैं तो पता नहीं खुश हूँ या क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं, खुशी तो है ही है, लेकिन बस बात ये होती है ना कि हर चीज अल्लाह ताला के हाथ में है और जो अल्लाह का फैसला है होना तो वही है। हमने लाख इनको कोशिश करने के ये मेट ना हो सके, मैंने अपने इतने इतने मेल हर वक्त मैं न्यूट्रल करवा रही होती हूँ, फिर भी आज हमें पता चला है कि हमारी मिनी प्रेगनेंट हो चुकी है। अब पता नहीं वो किस दिन प्रेगनेंट हुई है, कब प्रेगनेंट हुई है, पर मिनी प्रेगनेंट हो गई है। तो हमारे घर में मिनी और जोई के बेबी आने वाले हैं और मुझे कुछ हद तक शक हो रहा है कि छोटी चुड़ैल जो है हमारी मिस मैगी भी शायद एक्सपेक्ट कर रही है, उसका भी मुझे कंफर्म नहीं है। तो अब हमारे घर में और इतने सारे बेबी आने वाले हैं। चल रहे भाई, हमने तो अपनी तरफ से सबको न्यूट्रल करवा दिया था। अल्लाह की तरफ से सब होता है ना, अल्लाह ताला की तरफ से ही सब कुछ होता है। इतनी सारी बिल्लियाँ हैं तो ये अल्लाह ताला ने ही दी हैं। अभी आपस में रहते हैं, वेट कर लेते हैं, हमें नहीं पता चलता। अब इसलिए वजह से हमने अपने चार मेल्स को न्यूट्रल करवाया और इंशाल्लाह ताला अब इसका नंबर है, फिर इसका नंबर है और फिर टॉफी सुलेमान सुल्तान का नंबर है, सबका नंबर आना है अभी। और आप कह रहे हैं नूर के बच्चे, भाई अब हमें बच्चे और नहीं चाहिए, अगर वो देखें बहंगा बैठा हुआ है। अब इतनी कैट्स की केयर हो जाए यही बहुत है, आगे मजीद बच्चे हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये डैनी, डैनी तो मफिन की वो बीवी लग रहा है, देखो हाँ ना। नहीं वो डैनी जो है ना साथ, ये कौन है भाई? आज इसका बर्थडे भी है, आज इसका बर्थडे है तो आज इसे हम दिखाएंगे। वो देखें जी बिरयानी क्या देख रही है, बिरयानी नहा ली है, बिरयानी टॉफी और टिफी का बर्थडे है। और मफू, मफू क्या चाहिए आपको? मफू जी साथ मोनी भी कुछ मांग रही है। ये इनकी बॉल है, ये फेंकते हैं देखते हैं कोई खेलता है कि नहीं। बगीरा बहुत ज्यादा माशाल्लाह एक्टिव है और बगीरा ना बकी को बहुत पसंद है। जी क्या कह रहे हो? टैबो, 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 तबुई, टैबो, तकुबी, पता नहीं क्या क्या नाम है इसके। मैक्स, मफू, मफू, बिल्लू, बिल्लू की तो आदत है ना, बिल्लू को मैक्स किससे शदीद नफरत है। ये देखें आवाजें सुन रहे हैं, बिल्लू से कह रहा पीछे हो जा वरना इतनी धुलाई करूंगा कि याद नानी याद आ जाएगी। नानी तो मर चुकी है ना इनकी बेचारी, बिल्लू की नानी फोत हो चुकी है। बिल्लू की नानी का क्या नाम था? मैगी नाम था जी बिल्लू की नानी का। उसे ट्यू, ये देखें, ये देखा आपने
बिल्लू बिल्लू को ना शदीद नफरत है, शदीद शदीद किस्म की नफरत है अपने मामू से। देखो मुंह भी टेढ़ा कर लेते अपने मामू को देख के। मामू मामू जान, मामू मामू इतनी नफरत क्यों करते हैं आपसे बिल्लू जी? यकीनन आपने उन्हें को इतना कोई डंग चुभोया होगा, आपने कोई ना कोई ऐसी हरकत की होगी। ये है जी, कौन ये है जी? सुलेमान और वो सुलेतान, ये देखें माशाल्लाह जरूर पढ़िएगा। ये है सुलेमान, ये सुलेमान और वो सुलेतान। सुलेतान नहीं होता, सुल्तान सुलमान सुल्तान। ये माशाल्लाह खूबसूरत खूबसूरत तरीन है दोनों, हसीनो जमील। और वो साथ वो भी कह रही है मेरी भी वीडियो बनाओ, मैं भी हसीनो जमील हूँ। ये लड़की साथ जीवा जी जी, हाँ छोटी भी नूर का टुकड़ा ही है, उन उन जैसी है बिल्कुल, छोटी भी। आपको ना दोनों भाइयों की टेल दिखाता हूँ, ये देखें, ये छोटे की टेल है, ये बड़े की टेल है। दोनों माशाल्लाह 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 कमाल की चीजें हैं। ये बड़ा भाई है, ये बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है। ये देखें साथ माशाल्लाह रहते भी ना दोनों साथ साथ ही हैं। अब पहले वहां पे बैठे थे, अब यहाँ पे आ गए। और वहां पे ग्रूमिंग हो रही है, ये किसकी ग्रूमिंग कर रही हो? नहलाने से पहले। और लंच में आज मैं खा रही हूँ मैंगो चिया पुडिंग, और ये इतनी मजे की बनती है, इसको बना के ना बिल्कुल अच्छी तरह ठंडा करके खाना होता है, बहुत मजे की ये बनती है जी। और ये भाई इस टाइम ना डेली आ जाता है यहाँ पे, और इस टाइम ना इसका पार्टी टाइम होता है जी। इस टाइम ये ओरियो भी आ जाता है यहाँ पे ना डेली रात को, डेली रात में ना 7-8 बजे का टाइम होता है और ओरियो अपना खाने आता है। ए चुप, और छोटा ओरियो या छोटी ओरियो बाप पे गुस्सा कर रही है। डेली इधर आ जाता है, इसका पार्टी टाइम होता है क्या? इसके अंदर ट्रिक्स है, है। लेकिन ये लिख करेगा ना खुद, कोई कौन तो नहीं पहनेगा। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अभी अजान हो रही थी तो हम चुप थे, और अजान अब खत्म हो गई है। ये देखें मिस मैगी और वो मिस जोए। मिस मैगी को मैंने दोबारा से चेक करना है, और फिर जो है मिस मैगी मिस जीवा। मैंने आपने ये कारनामा कब अंजाम दिया था? मैंने अच्छा हमने जी पहले भी आपको बताया कि ना हमें सरप्राइज कहें, टेंशन कहें, क्या कहें, वैसे तो खुशी बहुत ज्यादा है, लेकिन अपनी तरफ से हमने सारे जो मेल्स कैट हैं उनको न्यूटर करवा दिया था, तो वो न्यूटर होने से पहले पहले जो है वो सर अंजाम दिए गए हैं उन्होंने जी। इन तीनों लड़कियों को मीट कर दी है और अब इनके बच्चे भी आने वाले हैं। हमें पता कैसे चला? रात को ना जीवा बड़ी आवाज़ होके सुबह, रात को नहीं सुबह को आज बड़ा आराम आराम से बैठ रही थी। मैंने कहा फुज़ैल ये ऐसे क्यों बैठ रही है जैसे ये प्रेगनेंट हो? उठा के देखा मैडम को तो फिर फील हुआ है कि प्रेगनेंट है, उसके निपल्स जो हैं वो फूलने शुरू हो गए हैं, मिल्क प्रोडक्शन मुझे लग रहा है कि हो रही है। और ये चुड़ैल, इस चुड़ैल को भी मुश्किल से अपने पास बिठाने की कोशिश कर रही हूँ, ये बैठ नहीं रही, बहुत कपटी लड़की मैं है, इसको चेक करना चाहती हूँ, मुझे चेक करवा नहीं रही। और इस पे भी हमें डाउट है कि इसके भी इसके भी बेबीज हो जाएंगे, डाउट हो रहा है हमें। मिस मैगी चेक करने दो ना, चेक करने दो ना।
और वो देखें जी, इसकी बेटी हो, स्कूबी की बेटी, और हरकतें भी वैसी हैं स्कूबी जैसी, और माशाल्लाह हसीन कितनी है, माशाल्लाह आप लाजमी पढ़िएगा। और वो देखें जी, वो जोए के तो आपको पता ही है कि बच्चे आने वाले हैं, अब पता नहीं आते कब हैं, जोए के भी जल्दी आ जाएंगे। इतना ज़्यादा नहीं प्रोमिनेंट हो रहा, इसके कंफर्म नहीं, अल्लाह करे ना ही हो। अब हम सोच रहे हैं जी, हम अपने सुल्तान सुल्तमान को भी न्यूटर करवा लें, इन कैट्स का पता नहीं चलता, ये रूम में रहती है ना, पता नहीं चलता, एक रूम में रहती है पता नहीं चलता, तो मेल कैट मेट कर लेते हैं, हालांकि हमारे सामने वो कोई इस तरह की हरकत भी नहीं करता था, मफिन वो एक्शन नहीं दिखाता था हमें, लेकिन उसके फिर भी उसके बेबीज आने वाले हैं, जोए के भी मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो रही है, जोए के भी बस कुछ ही दिनों तक बेबीज आ जाएंगे, चेक करवाओ। हमने बड़ी कोशिश की, बड़ी कोशिश की कि हमारे पास मज़ीद बच्चे ना आए कैट्स इनके ना, जोए वगैरह के, लेकिन अल्लाह ने जब देने हो, अल्लाह ने नसीब लिखा हो, अल्लाह ने सबका नसीब इस घर में लिखा था, और जिनके बच्चे हैं उनका भी इसी घर में नसीब लिखा है, तो अल्लाह के हाँ इंसान अल्लाह का लिखे को, जो अल्लाह का लिखा होता है ना वो कोई नहीं बदल सकता, वो अटल है, वो आपको मिलना ही मिलना है। जोए का देखो पेट अब बड़ा होने लग गया ना, हाँ। अब प्रोमिनेंट होना स्टार्ट हुआ है, इन बच्चों ने ना हमारी जिंदगी में आना ही आना था, अब देखो कौन कौन आएगा, कैसे कैसे आएंगे और कितने कितने आएंगे। किसको बुला रही हो? मिनी आओ मेरे पास बेटे, आओ मिनो, मिनो आ जाओ इधर, आओ मिनो। अच्छा बगीरा के, बगीरा को भी हमने न्यूटर करवा देना है, सुलेमान सुल्तान को भी करो, क्यों बगीरा को क्यों नहीं करवाना, बगीरा को नहीं करवाना अभी, नहीं नहीं बगीरा को भी करवा देना है, बगीरा के हमें बच्चे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बगीरा और नूर के बच्चे, मुझे नहीं बल्कि सबको चाहिए, अब खुदा का खौफ करो इतने सारे बच्चे। अच्छा मैंने ना अभी पता नहीं 8 आएंगे या 10 आएंगे, पता नहीं कितने आते हैं, भी आएंगे, नूर के बच्चे मुझे एक दफा चाहिए ही चाहिए, नहीं नूर के बच्चे अब हमने स्टॉप करवा देने हैं, मुझे नूर के बच्चे तो चाहिए, नूर अगर 10 बच्चे पैदा कर दे तो फिर नहीं करेगी, वो कम करेगी, उसकी हाइट छोटी है, वो इतनी करेगी। अच्छा मैंने ना सुबह दोपहर को मैंने वीडियो अपलोड की है टिक्स एंड फ्लीज के होम ट्रीटमेंट के ऊपर, लेकिन वो आप लोगों ने देखी नहीं है, जाकर उस वीडियो को भी खोल कर देखें। अच्छा वो हमें, वो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है सबके लिए, तो उस वीडियो को जाके आप लोग लाजमी देखें, उसको तो आप खोल के ही नहीं देख रहे, हालांकि वो मैंने आप ही के लिए बनाई है कि टिक्स और फ्लीज का आप कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं और कौन से अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको यूज करने चाहिए, तो अक्सर तुम मुझे कह रही होती हो कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो में डाला करूंगी आप संडे वाले दिन, हाँ, तो लोगों की डिमांड होती है ना, इससे ना कैट्स कितने लोगों की डिमांड है इस वीडियो से, अक्सर हमें इतने मैसेजेस आते हैं कि फ्लीज एंड टिक्स की वजह से हमारी कैट की डेथ हो गई, तो इसलिए हमने सोचा कि हम बना लेते हैं इस पे, और वैसे भी जैनी वगैरह को, जैनी के बच्चों में काफी टिक्स थे, तो हमने कहा चलें ट्रायल भी हो जाएगा, हाँ उनका भी जरूरी है, तो अब हमने उन पे किया माशाल्लाह से वो ठीक हैं, तो आप भी जाके वीडियो देखें, और ये देखें तीनों बच्चे जो हैं दो ये बैठे हैं, इनको ना कैट्स को जूतियाँ बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, तो एक जो है वो जोए मेरी जूती पे बैठी हुई है और वो कोने में बैठी है, और ज़ीवा मैं आपको दिखाता हूँ, ज़ीवा जो है वो देखें, वो ज़ीवा जूतियाँ मेरे पास बैठी है, कैट को ना जूते बहुत पसंद होते हैं, तो आप कह रही होंगे हमारे रूम में इतने जूते क्यों, अभी हम बाहर से आए हैं, तो हम अपने जो घर वाले जूते हैं वो उतारे में हैं, और बाहर वाले जूते ये पड़े हैं इस जोए के पास, अभी अंदर संभालने हैं, क्यों जी? अभी फिर जाना है, अभी हमने फिर जाना है, तो अभी थोड़े से काम है 3-4, तो ये हाँ जीवा जी जी आपको खाना खिला के जाएंगे, परेशान नहीं होना, अच्छा मैगी को तो देखो, दिखाता हूँ मिस मैगी को, ये देखें जी, छोटा सा मुंह हो जाता है, ये देखा ना मैं आपको दिखाता हूँ, रुके रुके ये देखिए, कौन सी डेट पे हुई है, तो इसलिए हमें नहीं पता कि इनकी डिलीवरी अब किस दिन होगी, हाँ अल्ट्रासाउंड करवाएं तो थोड़ा बहुत पता चल जाएगा, लेकिन अब हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि इनकी डिलीवरी कब होगी, क्योंकि अभी हमें इनका पता ही नहीं चला कि उन्होंने कब मेल कर दिया। इतनी सारी कैट्स रखने का नुकसान यही होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कब बच्चे हो जाते हैं, हमें वाकई बच्चों का पता ही नहीं चलता,
जब बच्चे होने वाले होते हैं तो हमें पता चलता है कि होने वाले हैं। लेकिन ये मुझे जरूर पता है कि मेटिंग किसने की होगी। मफिन ने की होगी 100% उसके, वो क्योंकि बड़े मफिन के भी बहुत बच्चे हैं, सारे बच्चे मफिन के ही हैं। छोटे को शुक्र हमने करवा दिया, वरना तो पूरी पूरा वो क्रिकेट 10 क्रिकेट टीमें तैयार हो जाती। मिनी ये क्या कर रही हो? मिनी जी एटीएम स्लिप से खेल रही है, खुश बड़ी है और खुश बड़ा हो गई है इधर आके। मौसम भी अच्छा ना, कैट्स को अच्छा मौसम बहुत प्यारा लगता है। मिनी जी जी ये हेयर बैंड लगाओगी? हेयर बैंड लगाओगी? लगाओ जरा अपने हाथों से लगाओ, लगाओ लगाओ जरा इसके सर पे लगाओ, कैसी लगती है? स्किन पे आएगा, बालों में नहीं आएगा। अच्छा हाथ हाथ में दे दो, हाथ में दे दो मेरी प्यारी बेटी को, हाथ में पकड़ेगी ना, हाथ में पकड़ेगी। जब इसके पैदा हुए थे फ्लोरा वगैरह, मैंने आपको उस टाइम कहा था कि फजैल अब ये हो गए हैं तो इसको ऑपरेशन करवा दो। काश हम तो भी अब भी इसको करवा देते, लेकिन अल्लाह ने लिखा हुआ था इसकी नसीब में, इस दुनिया में इसके बच्चे जब ये पैदा हुई थी ना तो अल्लाह पाक ने तब ही लिख दिया था कि जीवा के इतने बच्चे होंगे। माशाल्लाह जीवा ने बहुत बेबीज पैदा किए, लेकिन अब आपके बच्चे देने के बाद जीवा हो जाएगी, स्पे हो जाएगी। सलाम करो जीवा जी। जी जीवा के भी ना काफ़ी सारे नाम हैं, जिस तरह तकूबी के हैं इस तरह जीवा के भी हैं, और जीवा को सारे नाम पता हैं। देखें जीवा का मुंह देखें छोटा सा, जब ना कैट्स के साथ मुखातिब हों, कैट से आप बातें कर रहे हों तो उसके फेस से ही पता चल जाता है कि वो आपकी बातें सुन रही है। ऐसा ही है ना जी 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 जी। अब और कैट्स को जब बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा हो ना आप पे, या वो बहुत ज़्यादा खुश हो तो उसके वाइब्रेटर चलते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होती है वो। जीवा हमारी बहुत ज़्यादा खुश है। तो चलो जी इजाज़त ले लेते हैं, फिर कल की वीडियो में मुलाकात करेंगे। चलिए जी बस अब हम कल की वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। और जाके वो व्लॉग हमारा, व्लॉग तो नहीं उसे कहेंगे हम, क्या कहेंगे उसे, वीडियो कहेंगे, वो प्लीज और टिक्स वाली, वो भी डेमोंस्ट्रेशन करके बता रहे हैं कि आपने कैसे ट्रीटमेंट करना है। जी 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 तुम भी वीडियो देखोगी ना? जी जी भी वीडियो देखेगी जी। वो जी जी को माशाल्लाह अभी तक प्लीज और टिक्स नहीं है, अगर जी जी को प्लीज और टिक्स हो तो जी जी वो वीडियो लाजमी देखेगी, फिर उसमें अमल भी करेगी। क्यों जी जी ये देखें जी, जी जी को छोटे छोटे हाथ। अच्छा अल्लाह हाफिज़ जी जी, अल्लाह हाफिज़ बोल दो जी जी, अल्लाह हाफिज़ बोल दो, अल्लाह हाफिज़ बोलो मफू की बेटी भी, अल्लाह हाफिज़ कह दो और आप भी कह दो। कपत्ती औरत, ये कपत्ती औरत है जी, इसकी बेटी है, दोनों माँ बेटियाँ देखें, ये दोनों माँ बेटियाँ शक्लें भी एक जैसी हैं। सलमान सुल्तान की मम्मी और वो बहन बैठी है सलमान सुल्तान की जी। अल्लाह हाफिज़, कल की वीडियो में मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह।